सो आ रहा है, तो आज रात से जो है फिर से पश्चिम बंगाल सक्रिय होगा और 8 और 9 तारीख में वाइड स्प्रेड जो है स्नोफॉल और रेनफॉल जो है फिर से प्रदेश में होगी। रिफ्रेश मैट्रेस इंडियाज नंबर वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन ब्रांड विद 99.5% सेटिस्फाइड कस्टमर्स। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर पारा -डिग्री चला हुआ है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि कुफरी, नारकंडा और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, लेकिन शिमला शहर में अभी भी बर्फबारी का इंतजार है। सर्द मौसम और हवाओं के बीच 8 और 9 जनवरी को मौसम विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 10 जनवरी तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। विभाग ने 8 और 9 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि हिमाचल में ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते हिमाचल में ठंड बढ़ गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि केलांग में प्रदेश का सबसे कम -9 डिग्री तापमान रहा है। पिछले 48 से 72 घंटे में हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल और स्नोफॉल हुआ है और स्नोफॉल भी हैवी स्नोफॉल भी रिपोर्ट किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, किन्नौर और शिमला, इन जिलों में जो है हैवी स्नोफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। और पिछले कल से जो है मौसम में कुछ जो है बारिश और बर्फबारी में कमी आई है, हमने प्रेडिक्ट भी किया था, लेकिन ये फिर से जो है दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा था। आज रात से जो है फिर से पश्चिम को सक्रिय होगा और 8 और 9 तारीख में वाइड स्प्रेड जो है स्नोफॉल और रेनफॉल जो फिर से प्रदेश में होगी। और इसमें जो जिले हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा आ गया, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा है, किन्नौर है, कुल्लू, इन इलाकों में और शिमला के साथ इन इलाकों में फिर से जो है हैवी स्नोफॉल होने की संभावना है। तो हाँ, येलो अलर्ट रखा हुआ हमने इन जिलों में, जैसे जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला, इन जिलों में हमने येलो अलर्ट रखा हुआ है 8 और 9 तारीख के लिए। और उसके बाद फिर मौसम में जो है बदलाव फिर से आएगा, फिर इसमें बर्फबारी में और बारिश में कमी होगी और मौसम ठीक। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।